करेगी कल प्रदेश भर में और खासकर जयपुर में रखा गया। देखिए पूरे देश में हालात बहुत खराब है, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद जब आटे दाल चावल मैदा सूजी मुरमुरे मखाने जो प्रसाद में काम आते हैं छाछ दही इन पर भी टैक्स लग गया, किसी ने भी आटे पर टैक्स नहीं लगाया। आप रोको लोगों का आटा छीन रहे हो रोटी छीन रहे हो। अब तक तो आप हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाकर महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते थे और आप इसमें बहुत हद तक जब कामयाब नहीं हुए तो आपने एक नया काम शुरू कर दिया। तिरंगा हमारा धर्म है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, पूरी दुनिया जानती है भारत में तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बात कांग्रेस शुरू से कहती आई है। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में नारा दे रही है, उसको पार्टी ने पॉलिटिकलाइज कर दिया बीजेपी ने कि हम घर हर घर पे तिरंगा लगाएंगे। हर घर पे तिरंगा लगता है, आप अभियान चलाकर लगा रहे हो क्योंकि आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हो। तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपने पाप नहीं छुपा सकती, तिरंगे को आगे करकर बीजेपी ये कह रही है महंगाई की बात मत करो बेरोजगारी की बात मत करो भूख से मर रहे हो तो मरो। आटे दाल और चावल पर टैक्स लगाने के बाद जो देश में आंदोलन खड़ा हुआ जनता को लगा कि ये जब आटा ही छीनने लग गई बीजेपी तो ये किसी की सगी नहीं है, 15 लाख देंगे अच्छे दिन लेकर आएंगे, 3 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा, एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है और पेट्रोल डीजल यहां पर महंगा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब क्रूड ऑयल महंगा था तब पेट्रोल डीजल सस्ता था। जब जब मोदी सरकार से बीजेपी से हिसाब मांगा जाएगा तब नया एक एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, इसके लिए पूरा देश हम जान दे सकते हैं। इस तिरंगे को लेकर कांग्रेस के सिपाहियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी।